Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नवाज शरीफ के दोनों बेटों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। जायदाद की कर की शुरू, हसन और हुसैन नवाज की मुख्तलिफ कंपनियों में शेयर्स मुंजमद किए जाएं। एहतसाब अदालत की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को हिदायत, रेफरेंस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। पहले मैं 40 कहता था, अब मैं 60 कहता हूँ, और अगर जिसको शक हो वो मेरे साथ आके एलहदगी में बात कर ले। 60 आदमी जॉगर पहन के तैयार हैं सीटी बजने के इंतजार में। नवाज शरीफ को सजा हुई तो अवाम का रद्द अमल शदीद होगा। पार्टी क्यादत तब्दील हुई तो लीडर का फैसला पार्टी ही करेगी। शेख रशीद के पास 70 क्या 7 आदमी भी नहीं। राणा सनाउल्ला की आज न्यूज से गुफ्तगू। पनामा की बजाय अकामा पे निकाल दिया जाए। नवाज शरीफ ने 2 नवंबर को वतन वापसी का ऐलान कर दिया। माइनस नवाज शरीफ फार्मूला कबूल नहीं, उनकी मुशावरत से ही पार्टी आगे बढ़ेगी। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान, लंदन में साबिक वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पूछता हूं कि MQM पाकिस्तान की सरगर्मियां कब बहाल होंगी। फारूक सत्तार का हुक्काम बाला से सवाल, ये भी कहा कि अरशद वोरा ओहदा छोड़कर अवाम की खिदमत करते तो अच्छा होता। पाकिस्तान न्यूक्लियर सिक्योरिटी के आलमी मुहायदों पर अमल पैरा है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शमूलियत के लिए गैर इम्तियाजी तरीका कार होना चाहिए। इम्तियाजी रवैया खित्ते के अमन के लिए तबाह कुन होगा। स्पेशल सेक्रेटरी दफ्तर खारजा तस्नीम असलम का सेमिनार से खिताब। कांग्रेस रहनुमा और साबिक भारतीय वजीर चिदम्बरम ने मकबूजा कश्मीर को मुकम्मल खुद मुख्तारी देने का मुतालबा कर दिया। बीजेपी का शदीद रद्द अमल, कांग्रेस को ही मसला कश्मीर का जिम्मेदार करार दे दिया। पाक अफगान सरहद की मॉनिटरिंग के लिए दिए गए मजीद 5 हेलीकॉप्टर अमेरिका ने वापस ले लिए। वॉशिंगटन ने 2009 में 9 हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को दिए थे, 4 पहले ही वापस किए जा चुके हैं। कराची में पुलिस मुकाबलों के माहिर SSP राव अनवार पर तौहीन अदालत का मुकदमा, मुल्जिम सेशन कोर्ट अदालत में पेश। अदालत ने तौहीन अदालत के नोटिस पर जवाब 7 नवंबर तक जमा कराने के आखिरी मौका दे दिया। राव अनवार ने अगवा बराए तावान के मुकदमे में अदालती हुक्म के बावजूद पेटी बंद भाइयों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, सदारत के लिए अब्दुर्रहमान अंसारी और कलीम खुर्शीद मद मुकाबल, वकला के राय दही के इस्तेमाल में मसरूफ। कराची के इलाके मंगोपीर में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल भूत बंगले में तब्दील। साल 2006 में तामीर किए गए स्कूल में अब तक असातिजा ही तैनात ना किए गए। इमारत में गंदगी और नशा करने वालों का डेरा। सिंध हुकूमत सूरत हाल से ला ताल्लुक, मुकामी अफराद का वजीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा। मुराद अली शाह साहब से और सिंध गवर्नमेंट से खुसूसी तौर पर कि भाई वो आए और हमारे इस दरने मसले के लिए कोई ना कोई हल निकाले। पेशावर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बख्शोपोल का भी बुरा हाल। गंदे नाले का पानी स्कूल में दाखिल, बच्चे हाथों में बाल्टी लेकर पानी निकालने पर मजबूर। महकमा तालीम सूरत हाल से गाफिल। कायद आजम यूनिवर्सिटी में आज फिर तदरीस मुअत्तल। एहतजाज करने वाले तुलबा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। एहतजाजी तुलबा का मुतालबे पूरे न होने तक बैकवर्ड जारी रखने का ऐलान। जुमे के जामिया के दाखिल रास्तों पर पुलिस तैनात। कराची में किया इलेक्ट्रिक मुनाफा तो बढ़ गया, मगर आवाम की किस्मत ना बदली। रोज तवील लोड शेडिंग का अजाब भुगतने पर मजबूर, कोई सुनने वाला नहीं।
गरीब आवाम पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ाने की तैयारी। यकुम नवंबर से पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 49 पैसे, मट्टी के तेल में 16 रुपए इजाफा तजवीज। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 19 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। पाकिस्तान से मशरिक वुस्ता चर्स स्मगल करने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने पसनी में साहिल पर छापा मारकर 480 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। आलमी मार्केट में कीमत 57 करोड़ रुपए थी। खैरपुर के गांव मलोकशर के करीब विहो नहर में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। महकमा आबपाशी का अमला न पहुंच सका। देहाती अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ। अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत का मामला। सदर ट्रंप के 3 मुशीरों पर अमरीका के खिलाफ साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और झूठ बोलने के इल्जामात में फर्द जुर्म आयद। 1 साल पहले ही कहा था इल्जामात गलत हैं, मेरी इंतखाबी मुहिम का रूस से कोई ताल्लुक नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। रूसी हुकाम और ट्रंप की इंतखाबी टीम के दरमियान राब्ता कारी करने वाला शख्स भी सामने आ गया। सिफारती उमूर के माहिर जोसेफ मसफूत ने ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के एडवाइजर से रूसी हुकाम की मुलाकात कराई। 2 बरस के दौरान रूस ने 12.6 करोड़ अमरीकियों तक रसाई हासिल की। फेसबुक का दावा। लीबिया के शहर दारना में फिजाई हमला, 17 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। गजा के इलाके खान यूनुस में इसराइली फौज ने जेरे जमीन सुरंग धमाके से उड़ा दी। 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के कत्ल का मंसूबा नाकाम। यूक्रेन के दारुलहुकूमत कैफ में पुलिस मुकाबले के दौरान स्नाइपर खातून हलाक, साथी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मजीद तफ्तीश में मसरूफ। अमरीकी रियासत ओथा की यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 1 शख्स हलाक। तुलबा को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। हमलावर की तलाश जारी। यूनिवर्सिटी के करीब स्टेशन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। तेज रफ्तारी हलाकत का बाइस बन गई। परू में ड्राइवर के काबू से बाहर होकर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 9 अफराद हलाक, 19 जख्मी हो गए। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। शहर में बेशतर स्कूल बंद, बारिशों का सिलसिला चंद रोज तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई।